Today we will discuss about initial assessment of newborn. Initial assessment of newborn is very important for detecting any problem in their earliest, most treatable and stages. Newborn baby mein initial assessment bahut important hota hai kyunki newborn baby mein kisi bhi problem का पता लगाने के लिए, उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए और उसकी अर्ली स्टेज का पता लगाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल असेसमेंट. ठीक है, सून आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी वी परफॉर्म असेसमेंट द बेबी थ्रू अफगार स्कोर. सून आफ्टर डिलीवरी हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं बेबी का थ्रू अफगार स्कोर के द्वारा. तो अब हम देखते हैं अफगार स्कोर क्या होता है. अफगार स्कोर एक मैथमेटिक टूल होता है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूबॉर्न है वो इंट्रा यूटराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में उस एटमॉस्फेयर में आता है तो कैसे सर्वाइव करता है, और इस मेथड के थ्रू ये देखते हैं कि वो सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. ठीक है, और तो अफगार स्कोर गिवन बाय डॉक्टर वर्जीनिया अफगार 1953. अफगार स्कोर डॉक्टर वर्जीनिया अफगार ने 1953 में दिया था. ठीक है, इमीडिएट असेसमेंट ऑफ इन्फेंट आफ्टर बर्थ फॉर कंडीशन ऑफ इन्फेंट थ्रू दिस टूल. इमीडिएट असेसमेंट होता है इन्फेंट का आफ्टर बर्थ, और इस टूल से ही ये जो अफगार स्कोर नाम का जो टूल होता है उसी से ही इन्फेंट की कंडीशन का अच्छे से हम पता लगा सकते हैं. ठीक है, और इसको करते हैं 1 मिनट आफ्टर बर्थ. ठीक है, बर्थ के जस्ट 1 मिनट आफ्टर इस स्कोर को देखते हैं तो ये स्कोर नॉर्मल आता है. ठीक है, अगर तो कोई डिप्रेशन की कंडीशन नहीं होती है. वन मिनट आफ्टर बर्थ देखने के बाद में कोई डिप्रेशन की कंडीशन नहीं होती है और उसको और नॉर्मल आ रहा है स्कोर. ठीक है, तो उसके बाद में उसको रीअश्योर करने के लिए 5 मिनट आफ्टर बर्थ फिर से हम अफगार स्कोर को देखेंगे. ठीक है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है, इफ़ एनी एबनॉर्मलिटी सीन इन सेकेंड टाइम अफगार स्कोर, तो हम वापस से इसको थर्ड टाइम रिपीट देखेंगे, और थर्ड टाइम कब देखेंगे इसको, 10 मिनट आफ्टर बर्थ पे देखेंगे. ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कैसे होता है. इसके 5 इंडिकेटर्स होते हैं जो फीटल वेलबिंग असेसमेंट के लिए आफ्टर बर्थ परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अफगार स्कोर की मिनिमम स्कोर 0 होता है, मैक्सिमम स्कोर 10 होता है. इंडिकेटर फर्स्ट है अपीयरेंस यानी कलर. बेबी का कलर फुल बॉडी उसकी ब्लू है या पेल येलो है तो 0 स्कोर देंगे. बेबी की बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है तो 1 स्कोर देंगे, और बेबी कंप्लीट बॉडी उसकी पिंक है तो 2 स्कोर देंगे. सेकंड है पल्स यानी हार्ट रेट. बेबी की पल्स एब्सेंट है तो 0 स्कोर देंगे. लेस देन 100 बीट पर मिनट है तो 1 स्कोर देंगे. मोर देन 100 बीट पर मिनट है तो 2 स्कोर देंगे. एंड थर्ड है ग्राइमनेस यानी रिफ्लेक्स. नो रेस्पॉन्स, कोई रिफ्लेक्स नहीं है तो 0 स्कोर देंगे. मिनिमम रिफ्लेक्स है बेबी में तो 1 स्कोर देंगे. और मीन्स कुछ पिंच या टच करने पे बेबी कुछ रिफ्लेक्स कर रहा है तो 1 स्कोर देंगे, और अगर वो गुड रिफ्लेक्स अपने आप ही उसमें कुछ रिफ्लेक्स हो रहे हैं तो 2 स्कोर देंगे. फोर्थ है एक्टिविटी या मसल स्टोन. बेबी बिल्कुल फ्लैसिड है, बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है तो 0 स्कोर देंगे, और बेबी में मिनिमम रिफ्लेक्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ है, मतलब बहुत वीक है और कम ही फ्लेक्शन हो रहा है उसके एक्सट्रीमिटीज़ का तो 1 स्कोर देंगे, और गुड एक्सट्रीमिटीज़ फ्लेक्शन हो रही है उसकी तो 2 स्कोर देंगे. ठीक है, और फिफ्थ है रेस्पिरेटरी इफर्ट. एब्सेंट है रेस्पिरेशन तो 0 स्कोर देंगे. अगर रेस्पिरेशन स्लो या इरेगुलर है तो 1 स्कोर देंगे, और रेस्पिरेशन गुड है, अच्छा क्राई कर रहा है बेबी तो
टू स्कोर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्कोर कैसे देते हैं इसको। तो अपना स्कोर की स्कोरिंग 0 to 10 तक होती है। अगर 0 से 3 स्कोर आते हैं तो बेबी सीवियर डिप्रेशन में है और बेबी को रिसेसिटेशन और CPR देना है। और सेकेंड अगर स्कोर 4 to 6 आ रहा है तो बेबी माइल्ड डिप्रेशन में है, तो रूटीन केयर देनी है। उसके साथ साथ ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स सक्शनिंग करनी है एंड ड्राई एंड पुट अंडर रेडिएंट वार्मर। बेबी को ड्राई करना है एंड रेडिएंट वार्मर के पास में उसको रखना है और ऑटोथेरेपी स्टार्ट करनी है। थर्ड है स्कोर 7 to 8। 7 to 8 स्कोर आ रहा है तो नॉर्मल स्कोर है। ओनली प्रोवाइड रूटीन केयर, ओनली रूटीन केयर देनी है। बेबी में कोई डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। अपगार स्कोर डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने दिया था 1953 में, बर्थ के 1 मिनट बाद में इसको देखते हैं, रीअश्योर करने के लिए आफ्टर 5 मिनट फिर से देखते हैं एंड उसमें कोई एबनॉर्मल दिखती है तो 10 मिनट आफ्टर फिर से देखते हैं, ठीक है। इसके 5 इंडिकेटर होते हैं अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेसी, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेटरी इफर्ट। स्कोर 0 to 3 आएगा तो सीवियर डिप्रेशन, 4 to 6 आएगा तो माइल्ड डिप्रेशन एंड 7 to 8 स्कोर आएगा तो नॉर्मल, नो डिप्रेशन, ओके।